एटीएम सेंटर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल 500 रुपए की निकासी करने पर मशीन से 2500 रुपए बाहर आ रहे थे। ये घटना सोमवार 15 जून की रात 10 बजे के दरमियान की बताई जा रही है। खापरखेड़ा के शिवा मार्केट में एक्सिस बैंक का एटीएम सेंटर है, वहां पैसे निकालने के लिए कतार लगी हुई थी। इससे पहले नागपुर और कुराड़ी के लोग निकासी के लिए आए थे। एक्सिस बैंक के सेंटर के पास ही SBI और HDFC बैंक के एटीएम लगी हुई है। एक्सिस बैंक के एटीएम सेंटर के सामने भीड़ होने से खापरखेड़ा के लोग अन्य एटीएम से पैसे निकाल कर चले गए। इसी बीच सिल्लेवाड़ा निवासी गोपाल पांडे HDFC बैंक के एटीएम से पैसे निकाल कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुराड़ी का एक अपरिचित युवक उनके पास आया। उनने 500 रुपए मांग कर 1000 रुपए देने की बात कही। संभवतः वह उसे जानता होगा, ये मानकर पांडे ने युवक को 500 रुपए दे दिए। कुछ ही देर में वह युवक एक्सिस बैंक के एटीएम से 2500 रुपए लेकर आया और गोपाल पांडे को 1000 रुपए देकर चला गया। युवक ने गोपाल पांडे को जानकारी देकर एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल कर दिखाए। एटीएम की इस गड़बड़ी की जानकारी हमारे BCN रिपोर्टर अरुण महाजन को मिली। गोपाल पांडे ने महाजन को रुपए निकाल कर दिखाए। अरुण महाजन ने खापरखेड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। API दीपक काकेड़वार ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को जानकारी देकर एक्सिस बैंक के एटीएम सेंटर का शटर बंद कर दिया। पुलिस कर्मी श्याम रामटेक को सेंटर के बाहर तैनात किया गया। बताया जाता है कि मंगलवार को तड़के 3 बजे नागपुर, कोराडी और खापरखेड़ा के युवक पैसे निकालने के लिए एटीएम सेंटर पहुंचे, लेकिन पुलिस बंदोबस्त के कारण वापस लौट गए। सोमवार 13 जून को एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन के ट्रे में पैसे डालने गए। इस दौरान 100 रुपए के ट्रे में 500 रुपए के पैसे लगाए जाने से यह मामला घटित हुआ। ऐसी जानकारी संपर्क करने पर उन्होंने बताई, जबकि बैंक के एक टेक्नीशियन ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते यह माजरा घटित हुआ। विड्रॉल किए गए पैसे विड्रॉल करने वाले धारकों से वसूले जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष राउत के साथ इन BCN के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।